जनूबी पंजाब में आलमी वबा कहर ढाने लगी। कातिल कोरोना मजीद 13 जिंदगियां निकल गया। कोरोना के बाद दिन ब दिन तेज होने लगे। सरगोधा में एक ही रोज में 58 अफराद कोरोना का शिकार। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सरगोधा मोहम्मद शाहरुख खान न्यास भी कोरोना में मुबतला। रहीमिया खान में 30 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। निश्चर अस्पताल में 21 नए केसेस सामने आ गए। 17 की हालत तश्वीशनाक, 4 वेंटिलेटर पर मुंतकिल। डीजी खान में भी 3 अफराद में वायरस की तस्दीक। बहावलपुर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ऑफिस भी कोरोना के नरके में। एजुकेशन अमले के 20 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। कोरोना केसेस सामने आने पर दफ्तर 19 दिसंबर तक बंद कर दिया गया। मैट्रिक इम्तिहानात फॉर्म बजरिया डाक अरसाल किए जाएंगे। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर जनूबी पंजाब में कार्रवाइयां। मियांवाली ईसा खेल में छुट्टियों के बावजूद खुलने वाले 6 निजी स्कूल सील। बहावलपुर में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 3 दुकानें और 1 शादी हॉल सील। मुल्तान में एमडीए चौक और सूरजमियानी रोड पर 3 चिकन शॉप सरबमोहर। गुलगश्त में 3 गारमेंट्स दुकानों को भी सील कर दिया गया। दरिया महर मैरिज हॉल लैया पर खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज। उधर लोधरा में मैरिज हॉल्स और होटल मालकान को 10-10 हजार रुपये जुर्माना आए। बहावलपुर में कोरोना से बचाव के लिए इंतजाम। सिविल अस्पताल बहावलपुर में नए आईसीयू वार्ड का इफ्तिताह। कमिश्नर जफर इकबाल ने प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के हमरा नए आईसीयू का इफ्तिताह किया। शहर आलिया की खूबसूरती दागदार करने वालों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का वॉल चौकिंग करने पर जुर्माने और जेल भेजने का हुक्म। तजावजात के खात्मे और स्ट्रीट लाइट पाल करने की हिदायत। उधर मुजफ्फरगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अतराफ में तजावजात हटा दी गई। स्मोक की रोकथाम के लिए महकमा ज़राअत मुतहरिक। मुजफ्फरगढ़ में फसलों की बाकियात को आग लगाने पर 3 मुकदमात दर्ज। 13 इस्तगासे एफआईआर के लिए जमा। मुल्तान में एमएनए अहमद हुसैन डेहड़ के खिलाफ इंतखाबी उजरदारी केस की समाअत। कौमी असेंबली के हलका 154 से सैयद अब्दुल कादिर गिलानी हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में पेश। जज जस्टिस आसिम हफीज ने वकला के दलाल सुने। आजाद अदलिया पर एतमाद है, फैसला जो भी आया तस्लीम करेंगे। अदालती समाअत के बाद सैयद अब्दुल कादिर गिलानी की गुफ्तगू। मेरा नोटिफिकेशन सेक्रेटरी इतलात का करने के बाद दूसरा क्यों किया गया। मुद्दई नबील कुरैशी पीटीआई की आला कयादत के खिलाफ बहावलपुर अदालत पहुंच गया। जज बाबर नदीम ने मरकजी जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी, सदर पीटीआई यूथ विंग मौला बख्श सोमरो समेत दीगर रहनुमाओं को 14 दिसंबर को तलब कर लिया। पीडीएम जमातों की जानिब से इस्तीफे देने का मामला। सरगोधा से एमपीए सहेब अहमद बर्ट ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। उधर मुल्तान से पीपल्स पार्टी के एमपीए अली हैदर गिलानी भी मैदान में। ट्विटर पैगाम में अपना इस्तीफा जल्द पार्टी लीडर को जमा करवाने का इंदिया दे दिया। उधर सरगोधा में मुस्लिम लीग नून के कन्वेंशन की तैयारियां। मरकजी सेक्रेटेरिएट में डिविजनल सदर शाह नवाज रांझा की जेर सदारत इजलास। आज होने वाले कन्वेंशन की तैयारियों बारे तबादला ख्याल किया। कप्तान के खिलाड़ी मैदान छोड़ गए। मुल्तान सिटी सदर पीटीआई खालिद काकवानी ने हुकूम की पार्टी को अलविदा कह दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा राय मनसब अली ने भी अपनी पार्टी छोड़ दी। मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत पर दोनों रहनुमाओं के एजाज में तकरीब। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मुरीद अब्बास पप्पी ने काफ लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। अपनी पार्टी में वापस आए, अपने घर वापस आए, तो इसमें और हमें क्या ज्यादा खुशी हो सकती है। हम तो पहले चॉइस साहब के ताल्लुकदार हैं, उनसे एक ताल्लुक रहा है और रहेगा और इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। मुल्तान में मरीजों को मिलेंगी सेहत की बेहतर सहूलियात। निश्चर अस्पताल में नए ऑपरेशन थिएटर का संगी बुनियाद रख दिया गया। पहले मरहले में रिकवरी और रिसेप्शन सेंटर बनाने का फैसला। ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक पर 15 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आएगी। सेक्रेटरी सेहत अजमल भट्टी की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। मुल्तान में शायकीने क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। स्पोर्ट्स ग्राउंड की तजी और आराइश का काम तेजी से जारी। 12 मिलियन की लागत से फ्लड लाइट्स की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया गया।
उधर रोही की खबर पर एक्शन, बास्केटबॉल अरीना की तजी और आराइश का काम शुरू कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस में तख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने सऊदी अरब में मुकीम साहिल का 3 साल से जेर इल्तवा मसला हल कर दिया। साहिल को फरोग करनंदा की मौके पर मौजूद जमीन से 12 मरले का कब्जा दिलाने का हुक्म। 19 ओवरसीज केसेस के फैसले सुनाए। मुल्तान की बौसीदा सिवरेज लाइन्स की तब्दीली का काम जारी। MD वासा नासिर इकबाल की जेर सदारत इजलास, रिसल्टिंग और तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। मंसूबे के दौरान हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत भी की। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज लोधरा 10 साल से अपग्रेडेशन का मंतजर। 1000 तलबा के लिए सिर्फ 10 क्लासरूम मौजूद। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ना होने के बाद साफ पानी तक मैसर नहीं। डायरेक्टर कॉलेजेस ने मसाइल का हल फंड्स की मंजूरी से मशरूत कर दिया। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। कंपनी वर्कर्स की तनख्वाहों का मसला हल। तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें उनके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गईं, मगर शहरियों के मसाइल जूं के तूं। शहर में गंदगी के ढेर ताहाल मौजूद। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। काश्तकार मायूस ना हो, आइंदा 2 से 3 साल में कपास की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने खुशखबरी सुना दी। बोले कपास के अच्छे बीज और पेस्ट कंट्रोल के लिए रिसर्च का अमल जारी है। रहीमिया खान में किसानों और जमींदारों को खरीदारी पर सब्सिडी मिलेगी। कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफा करने के लिए महकमा ज़राअत का किसान दोस्त इकदाम। पंजाब की 54 तहसीलों में फी एकड़ 1000 सब्सिडी देने का फैसला। 50 एकड़ आपाशी जरई अराजी के मालिक फर्द या ग्रुप की शक्ल में 24 दिसंबर तक दरख्वास्त देने के अहल हों। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस मुल्तान का दौरा। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ तारिक महमूद और CO हेल्थ अरशद मलिक के हमरा इंतजाम का जायजा लिया। सेंटर में फैमिली फोल्डर के हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान की ट्रेनिंग दी गई। CO हेल्थ बहावनगर इनामुल्ला खान का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद का दौरा। डॉक्टर्स और अमले की दौड़े लग गई। मुतादिद डॉक्टर्स और अमला ड्यूटी से गायब। मरीजों को अद्वियात की अदम फराहमी पर CO ने नोटिस ले लिया। अस्पताल में मरीजों के लिए फौरी अद्वियात खरीदने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आका सहीर अब्बास शेराजी की मियां चुनुआवर THK अस्पताल और सहूलत बाजार का दौरा। शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उधर डिप्टी कमिश्नर लैया असफर जिया का एहसास सेंटर का दौरा। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज एहसास सेंटर पर सहूलियात का जायजा लिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब सारा अहमद की मुल्तान ब्यूरो आमद। चेयरपर्सन सारा अहमद ने रहायश पजीर बच्चों से मुलाकात की और मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। उधर डेरा गाजी खान में सरदार फतेह मोहम्मद गुलजार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। अस्पताल में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट बार DG खान में 1 रोजा फ्री मेडिकल कैंप। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज शाहजद सईद ने कैंप का इफ्तिताह कर दिया। कैंप में शहरियों का चेकअप, अमराज की तशखीस और मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। और सिनफे नाजुक के खूबसूरत नजर आने के लिए लाखों जतन। सरगोधा में माहर ब्यूटिशियन की 1 रोजा तरबियती वर्कशॉप। अरूसी मलबूसात जेबतन किए मॉडल्स को तैयार किया। शिरका को मेकअप के नित नए तरीकों से रोशनास कराया। दुल्हन बनी मॉडल्स ने वॉक करके खूब दांत समेटी।